नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शिव जी को देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई रूपों में पूजा करते हैं। इनमें से एक है पारद शिवलिंग, जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि पारद शिवलिंग की पूजा करने से धन धान्य, आरोग्य, पद प्रतिष्ठा, सुख आदि की प्राप्ति होती है। पारद शिवलिंग की पूजा करने के कई फायदे होते हैं, लेकिन हाँ, यह भी सच है कि आपको पारद शिवलिंग की पूजा करने की सही विधि पता होनी चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन से जितना पुण्य काल प्राप्त होता है, उतना पुण्य पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से मिल जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि नवग्रहों से जो अनिष्ट प्रभाव का डर रहता है, पारद शिवलिंग के पूजन से उससे भी मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, पारद शिवलिंग की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से संतानहीन दंपति को भी संतान रत्न की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि जिस घर में पारद लिंग होता है, उस घर में रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी का वास होता है, साक्षात भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों की माने तो जो लोग पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी या फिर किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि घर में पारद शिवलिंग रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि पारद शिवलिंग का अभिषेक करने पर तांत्रिक प्रयोग नष्ट हो जाते। पारद शिवलिंग के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि यह पारा का बना होता है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य स्थिति में भी द्रव रूप में रहता है, और हम सभी इसका प्रयोग आमतौर पर शरीर के तापमान को नापने के लिए करते हैं। जो आपको थर्मामीटर में चमकता हुआ दिखाई देता है, वही पारा धातु होता है। इसी पारे से निर्मित पारद शिवलिंग का निर्माण होता है। इसके लिए पारे को विशेष प्रक्रियाओं द्वारा शोधित किया जाता है, जिससे वह ठोस बन जाता है, फिर तत्काल उसके शिवलिंग बना लिए जाते हैं। बाजार में कई तरह के पारद शिवलिंग हैं, जिसमें असली पहचान करना बेहद मुश्किल है। असली पारद शिवलिंग की पहचान करने के लिए इसे हथेली पर घिसा जाए तो किसी किस्म की कालिख नहीं आती। वहीं ध्यान रहे कि जब असली पारद शिवलिंग को जल में रखकर धूप में रखा जाता है, तो कुछ समय बाद पारद शिवलिंग पर शुद्ध स्वर्ण जैसी आभा आ जाती है। अब बात करते हैं पारद शिवलिंग की पूजा विधि की, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब प्रथम शिवलिंग को सफेद कपड़े पर आसन पर रखना चाहिए और खुद पूर्व उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। यही नहीं, पूजा सामग्री में जल, गंगा जल, रोली, मोली, चावल, दूध और हल्दी चंदन रख लें। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिनी तरफ दीपक जलाएं, जिसके बाद थोड़ा सा जल लेकर 3 बार निम्न मंत्र का उच्चारण करके पी लें। प्रथम बार ओम मृत्यु भजाय नमः, दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः, तीसरी बार ओम रुद्राय नमः और चौथी बार ओम शिवाय नमः। ऐसा करने के बाद अब हाथ में फूल और चावल लेकर शिव जी का ध्यान करें और मन में ओम नमः शिवाय का 5 बार जप करें। फिर चावल और फूल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करते रहें। फिर हाथ में चावल और पुष्प लेकर ओम पार्वत्रे नमः मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान कर चावल पारा शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करें। फिर मौली को और इसके बाद बनियों को पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने के बाद आप हल्दी और चंदन का तिलक लगा सकते हैं और चावल अर्पण करें। इसके बाद पुष्प चढ़ा दें। अब प्रसाद के रूप में मीठे का भोग लगा दें और इसके साथ साथ भांग, धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस तरह से शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें।
ऐसी अन्य स्टोरी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल यूथ ट्रेंड से जुड़े। धन्यवाद।